बताऊंगा क्या बुरा हुआ मेरे साथ। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। तो आज एक नया ब्लॉग शूट करते हैं और थोड़े मजे करते हैं। बोर्ड एग्जाम वाला तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए भाई, क्योंकि उसमें काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि घर से निकलने का टाइमिंग ही यही रहता है, इस वजह से शूट नहीं कर पाए। तो अब नॉर्मल ब्लॉग शूट करते हैं, थोड़ा हाइपर राइड करते की कोशिश करते हैं और थोड़ा ब्लॉग को अच्छा खासा बनाते हैं। और एक बात और शेयर करनी थी, जो मैंने बाइक के साथ में मॉडिफिकेशन किया था वो बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ, वो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा क्या बुरा हुआ मेरे साथ। तो अभी ब्लॉग का मजे करते हैं और जो मॉडिफिकेशन था वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि मुझे मेरे साथ क्या गलत चीज़ हुई है मॉडिफिकेशन में। वैसे तो नहीं होना चाहिए था ऐसा, बट इन दिनों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। तो चलो अब थोड़ा राइड को इंजॉय करते हैं और आपको भी थोड़े मज़े करवाते हैं। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को अपने। भाई भाई भाई, थ्री व्हीलर तो कर रहा है, इसके हाथ पे एक टपली मार दूं। शाबाश बेटा। अरे अरे भाई, इतने बड़े बड़े ट्रक। अरे तो ये भाई लेबर एरिया, हाय 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 हाय, ये फटाके खतरनाक वाले हैं भाई। मजे आते भाई जब फटाके मारती है, तो ये लगता है कि BS3 पावर कुछ ज्यादा ही है इसका। अरे भाई भाई भाई, अरे तेरी किधर को मोड़ रही है भाई? अरे भाई भाई, सामने गाय वगैरह तोड़ रही है। अरे 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 भाई भाई भाई, निकल लो टाइम सर, इससे फुल करते हैं। सामने से बड़ा ही खतरनाक ट्रक आ रहा है, देख रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये ट्रक बड़े भयंकर है भाई, खतरनाक कट मारता है भाई। ये देखो चमन, अपनी सड़क को छोड़ के दूसरों की सड़क पर चलते हैं। तो आज एक नई जगह से निकलेंगे, वहीं से मैं ब्लॉग सीधा कंटिन्यू करूँगा बॉयज। तो स्टे ट्यून, आज काफ़ी ज़्यादा मजे होने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले और खतरनाक आ रखे भाई, क्या ट्रैफिक जमा हो रखा है भाई, सौ खतरनाक सीन हो रखा है। तो आज अपन इधर के रास्ते से जाएंगे और थोड़ा अलग रास्ता आएगा आगे से, वो रास्ता भी देखेंगे। क्योंकि आज के ब्लॉग में भाई कोशिश करेंगे थोड़ा बॉम्ब ब्लॉग करने की, क्योंकि आज जिधर से जा रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया रोड है और कुछ अच्छी सी जगह भी है, आपको शायद तक मालूम भी होगा, वो रोड की बात कर रहा हूँ। तो मैं आज भाई मंडोर वाली रोड से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड काफ़ी बढ़िया है और आप बाइक को खींच भी सकते हो, ऐसी रोड है। तो अरे भाई ये गड्ढा, और भाई भाई क्या खतरनाक गड्ढे हैं भाई इधर, लगा ही नहीं था ऐसे गड्ढे हैं इधर। चलो कोई नहीं भाई, अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। Amazing! इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। रिएक्शन खतरनाक वाले रिएक्शन थे भाई, भाई साहब क्या रिएक्शन आए भाई, भाई ऐसे ही रिएक्शन मिलते रहे तो मजा आ जाएंगे भाई, जल्दी से मिलियन क्रॉस कर लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। भाई भाई
इतना बड़ा ट्रोला कहाँ जा रहा है? अब नई रोड आएगी, कौन कौन एक्साइटेड है भाई? मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रोड के लिए, क्योंकि काफ़ी तगड़ी रोड भी है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी आता है इधर। अब भाई इधर से लेंगे इस तरफ, सड़क तो काफ़ी प्यारी है, देख रहे भाई क्या मस्त पेड़ वगैरह लगा रखे भाई, अगर ये वहाँ तक होते तो मज़े आ जाते, पर कोई नहीं। तो भाई लोग थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ये थोड़ा ऑफ रोड है। भाई भाई भाई, भाई। खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है ये तो थोड़ी बहुत, और देख रहे हो भाई खतरों से खेल रहे हैं। आज फिर लेट हो गया भाई, ये गर्ल्स स्कूल है और अभी चल रहे बोर्ड एग्ज़ाम, फिर लेट हो गया भाई। पर यहाँ का व्यू भाई नेक्स्ट लेवल है, चेक कर रहे हो भाई कितना हरियाली है इस तरफ, बाकी का तो भाई मुश्किल से मिलता है इतना हरियाली, तो चेक। हाय हाय क्या फटाके मार रही है भाई, हरियाली तो जबरदस्त है भाई इधर की, देख रहे हो कितना ग्रीन ग्रीन है। और भाई इधर भी स्कूल है क्या भाई? स्कूल क्या इतना आवाज लाउड है भाई इसका, तो आप सड़कों को थोड़ा गीला करते हैं या गुंदाते हैं? ये सड़कें मुझे बहुत पसंद है भाई, और इसको NS का टॉप स्पीड भी चेक कर सकते हैं, ये ऐसी सड़कें हैं भाई। हाय हाय भाई साहब, भाई सड़क तो काफ़ी खतरनाक है, अरे अरे चुच्चा थोड़ी सी भी जगह नहीं दे रहे हो। लीन की बारी है भाई, तो लीन चेक करवाते बॉयस। भाई साहब लीन चेक कर रहे बॉयस, जोरदार लीन है भाई। अरे भाई 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 साहब यहाँ जो मजा आता है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ओहो भाई भाई क्या कट था भाई, ये भाई सोचा ही नहीं था बिल्कुल। अरे भाई भाई लोग, मैं जिस मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था कि जो मॉडिफिकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ गया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे लग रहा है इन दिनों के अंदर में, तो सबसे बड़ी मेन बात क्या है, अपना मॉडिफिकेशन है जो बाइक का इतना ख़राब हो रखा है ना, क्योंकि इतने जोधपुर में हुई थी खतरनाक बारिश, और उस बारिश की वजह से मेरा पीछे का जो सिस्टम है पूरा ख़राब हो चुका है। मैं एक बार चेक कराता हूँ आपको, ताकि आपको भी पता चले भाई कैसा बाल हो रखा है। तो जिस मॉडिफिकेशन की बोल रहा था, ये पूछे का सेव देख रहे हो, बारिश बहुत खतरनाक हुई है, चैन सेट की हालत देख लो, मतलब इतना गंदा वाला तो रखा है ना, अभी मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, और पीछे की तरफ में भाई पूरा ख़राब हो रखा है। तो ये कुछ अपना ओवरऑल मॉडिफिकेशन था, जिसमें भाई पूरा बैंड बच चुका है, ये वाला सीन चेक करो, मतलब पूरा ख़राब हो रखा है, और अभी एग्जॉस्ट इतना ज़्यादा ब्लैक हो रखा है ना, आवाज़ इतना ज़्यादा कर रहा है तो ब्लैक होना बनता है।
तो उम्मीद करते हैं बॉयज आज का व्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा। अगर व्लॉग बढ़िया लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन सेफ राइड सेफ आउट एंड गुड बाय बॉयज़।